जानवी कपूर, सारा अली खान, करण देओल की लिस्ट में एक और स्टार किड का नाम ऐड कर लीजिए। इस स्टार किड का नाम करण कपाड़िया है, जो कि डिंपल कपाड़िया के बहन के बेटे हैं। डिंपल कपाड़िया अपने भांजे की डेब्यू फिल्म के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और अब ये बहुत ही जल्द सिनेमाघरों में पहुँचने वाली है। करण कपाड़िया, इस फिल्म का नाम है ब्लैंक। इस फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान भी हो गया है। ये फिल्म 3 मई को रिलीज़ होने वाली है। खास बात तो यह है कि फिल्म में करण कपाड़िया के साथ सिल्वर स्क्रीन पर सनी देओल भी अहम किरदार में दिखने वाले हैं। सनी फिल्म में एक अहम किरदार में नज़र आने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बहजाद खम्बाटा, जबकि इसके प्रोड्यूसर हैं श्रीशांत भासी, निशांत पट्टी और टोनी डिसूजा ने। यह फिल्म धमाकेदार एक्शन से भरपूर होने वाली है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि फिल्म इससे पहले 11 जनवरी 2019 को ही रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अभी इस फिल्म की रिलीज़ की नई तारीख सामने आ गई है और ये करीब 5 महीने की देरी के साथ सिनेमाघरों में पहुंचने वाली है। करण कपाड़िया के बाद सनी देओल के बेटे करण देओल भी अपनी फिल्म के साथ सिनेमाघरों में पहुंचने वाले हैं। करण देओल की डेब्यू फिल्म को खुद सनी देओल ने ही डायरेक्ट किया है। करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास 19 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है।